thanks for this है एक लड़की की जो गरीब होती है वो पैसों के लिए एक जॉब ढूंढती है जिसमें वो बेहोश होकर सबकी इच्छाएं पूरी करती है अब ये कैसी इच्छा है ये आपको आगे पता चलेगा तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्लिपिंग ब्यूटी तो मूवी की शुरुआत होती है और एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़की आती है कुछ एक्सपेरिमेंट कराने फिर डॉक्टर उसके मुंह में डालकर वो एक्सपेरिमेंट करता है और डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए लड़की को पैसे भी मिलते हैं अब ये कैसा एक्सपेरिमेंट है जिसके बदले पैसे मिलते हैं चलो आगे आपको ये सब पता चलेगा तो आज मैं जिस लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस लड़की का नाम है लुली लुली धन से गरीब होती है पर तन से पूरी मियाँ खलीफा तो पैसों की कमी होने के कारण लूली सुबह ऑफिस रात को रेस्टोरेंट में काम करती है काम खत्म करने के बाद वो एक बार में अपनी एक फ्रेंड के साथ जाती है वहाँ पर वो अपनी फ्रेंड के साथ वॉशरूम में जाकर ड्रग्स लेती हैं और माल फूँकती हैं फिर वो बाहर आती है और दो आदमी के साथ बैठी दिखाई जाती हैं फिर उसमें से एक आदमी बोलता है आज रात तुम किसके साथ सोना पसंद करोगी फिर लूली उसको बोलती है एक सिक्का उछालो जिसका सिक्का ऊपर मैं उसके ऊपर फिर उनमें से एक आदमी जीत जाता है और लुल्ली उसका लुल्ला लेने उसके साथ चली जाती है एक अगली सुबह लुल्ली की बहन का बॉयफ्रेंड उससे रेंट मांगता है जिसके बदले लुल्ली को गुस्सा आता है पर वो रेंट दे देती है लुली को अपनी बहन का बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता फिर आगे देखने को मिलता है लुली अपने ऑफिस में काम कर रही होती है इतने में पीछे से उसकी बोस आती है और उसकी बोस कहती है उसकी माँ का फोन आया है फिर लूली अपनी माँ से बात करती है और उसकी माँ उसकी बैंक डिटेल्स मांगती है और लूली दे देती है फिर लूली कहती है आज के बाद फिर कॉल मत करना और ऑफिस खत्म होने के बाद लूली अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है जिसका नाम लिचड़ है लिचड़ पूरा नशेड़ी है लिचड़ लुल्ली से बहुत प्यार करता है वो लुल्ली से शादी करना चाहता है पर लिचड़ ज़्यादा शराबी होने के कारण लूली उसे मना कर देती है अगले दिन लूली अखबार में जॉब की एक ऐड दे कंपनी में फ़ोन करती है सामने इंटरव्यूअर बोल रहा होता है तुम्हारा फिगर क्या है बहन चो ये कैसी जॉब है जो फिगर पूछ रहा है चलो ये भी आपको आगे पता चलेगा लूली एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है तो वहाँ पर लूली का इंटरव्यू एक लेडी लेती है जो अपना नाम संतरा बताती है और संतरे के संतरे काफी बड़े होते हैं फिर संतरा लुल्ली को काम के बारे में समझाती है और बोलती है तुम्हें यहाँ लेट नाइट काम करना होगा पार्टीज में तुम्हें हाफ कपड़े पहनने होंगे और इसके अलावा तुम्हें किसी के साथ इंटीमेट होने की कोई ज़रूरत नहीं और संतरा उसको एक घंटे के ढाई सौ डॉलर देती है अब आप यहाँ समझ ही गए होंगे लुल्ली का कैसा काम है जिसके बाद लुल्ली तैयार हो जाती है फिर वो लेडी लुल्ली को खड़ी करती है और उसका फिगर देखती है फिर उसको घर भेज देती है फिर एक रात लूली के घर वो लोग एक कार भेजते हैं फिर लूली उस कार में बैठ एक बहुत बड़े घर में पहुँचती है उस घर में एक लड़की उसका मेकअप करके उसको हुसन की परी बना देती है हुसन की परी बनने के बाद लूली एक रूम में जाती है जहाँ उसी की तरह काफी सारी लड़कियां दिखती हैं फिर पार्टी शुरू होती है और पार्टी में सारे बूढ़े होते हैं लुल्ली सभी पार्टी में शराब देती है और वहाँ एक बूढ़ा लुल्ली की बॉडी पर हाथ लगाता है फिर पार्टी खत्म होने के बाद लुल्ली पैसे लेती है और वहाँ से निकल जाती है फिर आगे लुल्ली अपनी पहली कमाई के एक नोट को जला देती है और नई शुरुआत करती है इधर लुल्ली को अपने ऑफिस में लेटे दिखाया जाता है फिर पीछे से उसकी बॉस फिर से आ जाती है जिसके बाद वो बॉस को देखकर थोड़ी शौक हो जाती है और खड़ी हो जाती है फिर लूली को बार में दिखाया जाता है जहाँ लूली के पास एक आदमी आकर उससे फ्लर्ट करता है फिर दोनों के बीच थोड़ी बात होती है फिर आगे देखने को मिलता है लूली उस आदमी का लूला खड़ा करके उसके साथ संभोग करती है लूली अपने बहन के बॉयफ्रेंड से बहुत परेशान होती है इस कारण वो घर जाने के बजाय कभी किसी के घर कभी किसी के घर चली जाती हैं और उसको एक नई जॉब तो मिली गई है एक घंटे वाली फिर आगे देखने को मिलता है लूली के पास संतरा मैडम का फोन आता है संतरा फोन पर लूली को बोलती है तुम अभी घर पर आ जाओ वहाँ लूली देखती है वो लोग एक लड़की को जबरदस्ती कार में बैठा रहे होते हैं इसके बाद लूली फ्रेश होती है और संतरा उसको चाय पिलाती है वो उसे चाय देते वक्त पहले ही बोल देती है तुम बेहोश हो जाओगी और तुम एक घंटे हमारी हो जाओगी और जैसे ही उठोगे तब तुम्हारे शरीर में थोड़ा दर्द होगा और तुम्हारे दिमाग में भी थोड़ा दर्द होगा अगले सिर में लूली एक बेड पर नंगी सो रही होती है वहाँ वो पार्टी वाला बूढ़ा आता है और लूली के साथ सो जाता है फिर लूली घर आती है और घर आकर उसकी बहन का बॉयफ्रेंड लूली को दो हफ्ते में घर छोड़ने के लिए बोलता है फिर लूली एक फ्लैट रेंट पर ले लेती है पर पैसों की कमी होने के कारण वो संतरा के आदमी को फोन करती है और काम मांग है और आगे देखने को मिलता है लूली का फिर से एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है जिसके बाद लूली को एक कॉल आता है इसके बाद लूली वहाँ से भाग जाती है इधर एक सीन में लूली बैड पर नंगी बेहोश पड़ी होती हैं और संतरा वहाँ एक आदमी से डील कर रही होती है संतरा उस आदमी को बोलती है तुम लूली के साथ ज्यादा जबरदस्ती मत करना बस थोड़ा प्यार से रहना पर वो आदमी लूली को बहुत टॉर्चर करता है फिर लूली गाड़ी में जैसे ही जा रही होती है तो उसके गर्दन में दर्द होता है फिर लूली सोचती है जब वो बेहोश होती है तो वो लोग उसके साथ क्या क्या करते हैं वही आगे देखने को मिलता है जब लूली क्लास में होती है तो लीचड़ का फोन आता है फिर वो भागते हुए उसके घर में जाती है वहाँ जाते ही लुली देखती लिचड़ बहुत बीमार हो चुका है पर लिचड़ बीमारी में भी लुली को अपने साथ सोने के लिए बोलता है लुली उसके साथ नंगी हो जाती है फिर किच्चड़ की उसी वक्त मौत हो जाती है आगे देखने को मिलता है लिच्चड़ के समारोह में लुली अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलती है और वो उससे शादी के लिए कहती है पर वो उसे मना कर देता है लुली को उसी बेड पर नंगी दिखाया जाता है जहाँ संतरा फिर से वहाँ एक बूढ़ा कस्टमर भेजती है ये सब चलता ही रहता है पर लुली बेहोश होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आता वो लोग उसके साथ मार पिटाई भी करते हैं फिर एक सीन में लुली अपने ऑफिस में होती है जहाँ उसकी बोस उसे नौकरी से निकाल देती है तभी लुली एक शॉप में जाती है वहाँ लुल्ली एक छोटा सा कैमरा खरीदती है और फिर लुल्ली रेस्टोरेंट में काम करने जाती है वहाँ एक लड़का लुल्ली को ड्रग्स देता है ड्रग्स लेने के बाद लूली उसके साथ संभोग करती हैं फिर सुबह लूली की नींद खुल जाती है तो संतरा का फोन आता है वो उसे अपने घर बुला रही होती हैं फिर लूली जैसे ही गाड़ी में जा रही होती हैं तो उसको रास्ते में उल्टी होती है फिर लूली वहां पहुंचकर संतरा को बोलती है आप मुझे बेहोश मत करो मुझे जानना है वो लोग मेरे साथ क्या क्या करते हैं पर संतरा बोलती है, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है और यहां आगे देखने को मिलता है लूली बेड पर लेटी हुई होती है और कैमरे को अपने मुंह से निकाल कर साइड में लगा देती हैं और वापस सो जाती हैं और इसी के साथ रात गुजर जाती है अगली सुबह संतरा उसे चेक करने आती है और देखती है जो कस्टमर लुली के साथ सोया हुआ था उस बूढ़े की लेते लेते मौत हो गई फिर संतरा लुली को जगाती है और लुली जैसे ही जागती है वो मरे हुए बूढ़े को देख जोर जोर से चिल्लाती है और ये मूवी यही पर खत्म हो जाती है अगर आपको ये मूवी की स्टोरी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू